यूं तो टोक्यो पैरालंपिक में मेडल लाने वाला भारत का हर खिलाड़ी अद्भुत है, लेकिन पैरालंपिक के अंतिम दिन बैडमिंटन में भारत को सिल्वर दिलाने वाले डीएम सुहास एलवाई की कहानी कुछ ज्यादा ही रोमांचक है। डीएम सुहास एलवाई भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो आईएएस अधिकारी भी हैं और पैरालंपिक में पदक भी जीता है। कमाल की बात यह है कि गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास को बचपन में क्रिकेट से बहुत प्रेम था। उन्होंने कभी बैडमिंटन पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। डीएम बनने के बाद उनकी पोस्टिंग एक बार आजमगढ़ में थी। इस दौरान उन्हें एक बैडमिंटन टूर्नामेंट के उद्घाटन के लिए बुलाया गया। उद्घाटन के बाद खेल प्रेमी सुहास का मन हुआ कि वह भी खेलें, तो उन्होंने आयोजनकर्ताओं से अनुमति मांगी। अनुमति मिलते ही उन्होंने खेलना शुरू किया तो कई खिलाड़ियों को हरा दिया। यहाँ पर बैडमिंटन कोच गौरव खन्ना ने उन्हें देखा और आगे खेलने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद तो सुहास ने सफलता की झड़ी लगा दी, न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक बटोरने लगे। 2016 में चीन में एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई। इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले वह पहले नॉन रैंक्ड खिलाड़ी थे। इसके बाद तुर्की और ब्राजील में अलग अलग प्रतियोगिताओं में उन्होंने पदक जीते। अब टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर सफलता का डंका बजा दिया है। आपको बता दें कि डीएम सुहास का जीवन कभी आसान नहीं रहा। उनका जन्म कर्नाटक के शिमोगा में हुआ था। पैदा होते ही उनके पैर खराब हो गए। शुरुआती पढ़ाई गांव से ही हुई। उनके पिताजी की नौकरी ट्रांसफर वाली थी, इसलिए विभिन्न शहरों में रहकर उन्होंने पढ़ाई पूरी की। बिना पैरों के जीवन में आगे बढ़ रहे थे कि साल 2005 में उनके पिताजी का देहांत हो गया। पिता की मौत के बाद खुद ही अपने दम पर यूपीएससी की तैयारी की और आईएएस बने। डीएम सुहास उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, सोनभद्र, जौनपुर, हाथरस, प्रयागराज जैसे जिलों में तैनात रह चुके हैं। पिछले साल मार्च में उन्हें गौतम बुद्ध नगर में डीएम की जिम्मेदारी दी गई। डीएम सुहास एलवाई की सफलता के बाद पीएम मोदी ने उनका फोटो ट्वीट करते हुए उन्हें बधाई दी है। पीएम ने लिखा, सेवा और खेल का अद्भुत संगम, सुहास यथिराज ने अपने असाधारण खेल की बदौलत हमारे पूरे देश को खुश कर दिया है। बैडमिंटन में सिल्वर जीतने पर उन्हें बधाई, उन्हें उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करके उन्हें बधाई दी है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं। हम आपकी पसंद के वीडियो आपके लिए लाने का प्रयास करते रहेंगे। सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें, जिससे हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।